स्टार्ट। तो हम जा रहे हैं अब सीखने के लिए कंडीशनल स्टेटमेंट टू इम्प्लीमेंट सम कंडीशन इन द कोड। ठीक है, अब कंडीशन से मतलब क्या होता है? कंडीशन से मतलब ये होता है कि भाई हम जैसे चाह रहे हैं वैसे कोड परफॉर्म करे। कोड तो हम सारा लिखे लेकिन कभी ये परफॉर्म करे, कभी वो परफॉर्म करे, कभी वो परफॉर्म करे, ये परफॉर्म ना करे, तो उसके लिए हम यूज करते हैं। और इफी कंडीशन के अंदर हम सारे ऑपरेटर्स को यूज कर रहे होते हैं, यानी कि लॉजिकल ऑपरेटर भी यूज करते हैं, कंपेरिजन ऑपरेटर भी यूज करते हैं, ये सारी चीजें कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम इसकी कंडीशन को कैसे लिखेंगे? इफ दो ब्रैकेट लगाएंगे और ये कहलाएगी इसकी ब्लॉक। इसको ब्लॉक भी कहते हैं और इसको बॉडी भी कह रहे होते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से कह सकते हैं, ब्लॉक कह लें, बॉडी कह लें। और ये इसके कंडीशन ब्रेस है, यहाँ पे हम कंडीशन बताएंगे, कंडीशन ब्रैकेट से ही, और वो इसके ब्लॉक थे। अब क्या कंडीशन बताएंगे? पहले तो आपको जहन में सोचना पड़ेगा कंडीशन क्या है। जैसे हम एक कंडीशन रखते हैं, मिसाल के तौर पे एक हम यहाँ पे वेरिएबल ले लेते हैं एज, और उसको अभी हम कर देते हैं 18, और यहाँ पे एक ले लेते हैं मैसेज MSG के नाम से, और उसमें हम लिख देते हैं यू आर एडल्ट। ठीक है, तो ये हम लिख दिया हमने यहाँ पे एज के हवाले से। अब हम यहाँ कह रहे हैं कि भाई ये अगर किसी की एज की वैल्यू भी सेट है इसके, अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि भाई मिसाल के तौर पे अगर एज वेरिएबल की वैल्यू 18 है तो फिर ये वाला मैसेज दिखाओ। तो ये कैसे होगा, हम चेक करेंगे कैसे। इफ एज, अब सिंगल लगाएंगे, इक्वल डबल इक्वल लगाएंगे, डबल लगाएंगे ना कंपेरिजन के लिए, और मोर स्ट्रिक्ट करना है तो ट्रिपल लगाएंगे, इक्वल टू 18, तो ये वाला कोड रन कर दो। कोड में क्या लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे क्लिक करके हम कह रहे हैं कि ये वाला वेरिएबल की वैल्यू को आउट कर दो। तो यहाँ पे देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं पेज पे जाके, क्या आउटपुट आ रहा है, यू आर एडल्ट। ठीक है, तो ये तो कोड जब चलेगा जब वैल्यू 18 होगी, तो हम यहाँ से इसकी वैल्यू को 17 कर देते हैं और अब देखते हैं क्या हो रहा है, तो ये कोड नहीं चला। तो इसका मतलब हमारा ये वाला कोड कब परफॉर्म होगा, जब उसकी वैल्यू 18 होगी। अगर इसको 21 कर देते हैं तो क्या होगा, तब भी ये कोड परफॉर्म नहीं होगा। हाँ, 18 करेंगे तो ये कोड परफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सबके। अच्छा, अब उसमें क्या है कि ये तो हमने यूज किया इक्वल के लिए, अब यहां पर हम थोड़ा सा 18 और अबव के लिए करना चाहें, तो 18 और अबव के लिए करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू, इस तरह से एक ऑपरेटर यूज करेंगे, और तब भी हमें आंसर देगा यू आर एडल्ट। कब कब देगा, 17 पे नहीं देगा, बाकी 18 पे भी देगा, और 18 से अबव जो भी वैल्यू होगी उन सब पे क्या कहेगा, ये यू आर एडल्ट। तो ये देखें किस तरह से यूज कर रहे होते हैं। इसी तरह से अगर हम अपने मैसेज को थोड़ा चेंज करना चाहें तो इसी स्टेटमेंट को बार बार भी यूज किया जा सकता है। हम यहाँ पे दोबारा लिख देते हैं इफ एज लेस देन 17, तो ये कह रहे हैं यू आर टीनेजर। तो हम इस मैसेज को अपना चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पे एक वेरिएबल और ले लेते हैं, लेट MSG 2 के नाम से ले लेते हैं, और इसको यहाँ लिख देते हैं यू आर टीनेजर। ठीक है, ये लिख दिया हमने, और इसको मैसेज 2 को यहाँ दिखा दें। तो अब हमारा कौन सा कोड चलेगा, अब आप बताइए, ये वाला कोड चलेगा या ये वाला कोड चलेगा? यू आर अडल्ट वाला ही चलेगा ना, इसकी वैल्यू देखो ना क्या है, ये तो जब चलेगा जब वैल्यू किससे कम होगी, 17 होगी, मतलब 18 से कम पे चलेगा। तो हम यहाँ थोड़ा इसको कोड करते हैं, 18 से कम कर देते हैं, और यहाँ पे आ गया इस तरह से, और यहाँ पे क्लिक करके हम जैसे ही वैल्यू पास करेंगे 17, तो देखें दूसरा कोड चल रहा है, अब पहला वाला कोड नहीं चल रहा। अब जितना कम कर लें इसको यही चलाएगा, यू आर टीन टीचर। तो ये इस तरह के मामला इसके होते रहते हैं। अब अगर लेस देन और इक्वल टू कर देंगे तो ये कॉन्ट्रडक्शन आ जाएगा, फिर कौन सा कोड चलेगा, फिर जो सेकंड लाइन वाला कोड है वो चलेगा, हालांकि दोनों जगह पे इक्वल हो जाएगा। तो अभी हम दोनों की वैल्यू को करते हैं 18, तो यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तो क्या हो रहा है, दोनों कोड चल गए, क्योंकि कंडीशन दोनों जगह पे ट्रू हो रही है, 18 पे इक्वल भी लगा हुआ है ना यहाँ पे इस तरीके से, समझ में आ रही है बात ये। तो ये इस तरह से लेस देन और इक्वल टू पे काम कर रहा होता है। अब हम चाह रहे हैं कि नॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करें, तो हम यहाँ पे कहते हैं सपोज टू बी, इसको थोड़ा सा अपडेट कर लेते हैं, यहाँ लेस कर देते हैं और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू कर देते हैं, और यहाँ पे हम कहते हैं कि नॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे कह रहे हैं मिसाल के तौर पे इसी को यू भी लिख सकते हैं, इफ नॉट इक्वल टू 18, अब कौन सा कोड चलेगा, अगर यहाँ पे 18 है और यहाँ लिखा है नॉट इक्वल टू 18, तो ये कोड चलेगा या ये कोड चलेगा, ये चलेगा ना, वैल्यू क्या है इसकी 18 है, यही कोड चलेगा, ये नहीं चलेगा। ये कब चलेगा, जब वैल्यू 18 नहीं होगी, उल्टा इनवर्स काम करेगा ना। अब यहाँ पे आप एक लिख दें तो भी वो कोड चलेगा, आप यहाँ 100 लिख देंगे तब भी वही कोड चलेगा। ठीक है, 100 में ये दोनों क्यों चल रहे हैं, दोनों क्यों चल रहे हैं, यहाँ पे इक्वल भी लगा हुआ है, अगर आप इक्वल हटा देंगे तो अब दोनों में से एक चलेगा, दोनों ही चलेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन लगा हुआ है। हाँ, अगर आप यहाँ पे डबल इक्वल लगा देंगे या ट्रिपल इक्वल लगा देंगे, फिर इन तीनों में से दोनों में से एक कोड चलेगा, यू आर टीनेजर, क्योंकि वो 18 नहीं है, तो नॉट इक्वल उसके रिवर्स पे काम कर रहा होता है, समझ में आ गई बात। तो इस तरह से हम इन ऑपरेटर्स को इसके अंदर यूज करके देख रहे होते हैं।